प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और आनंदित होंगे। इस लॉकडाउन का सावधानीपूर्वक पालन कर रहे होंगे। आज हम सब यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक साथ हुए हैं। मैं यहाँ क्लास 7th की क्लास लेने जा रही हूँ। हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आइए आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन करते हैं। पृथ्वी से मेरा आशय उसी पृथ्वी से है जिस पर हम सब रहते हैं। इसके ऊपरी भाग को तो हम सब साक्षात देख सकते हैं, हम सब उसको पहचानते हैं। इस पर हमें तरह तरह की आकृतियां और स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इनमें कुछ बड़ी कुछ छोटी तरह तरह की हैं। हम इसके कहीं पर नदियाँ, कहीं पर वन देखते हैं तो कहीं पर हम पहाड़ और पठार भी देखते हैं। परंतु अंदर से यह पृथ्वी ऐसी नहीं है। तो कैसी है? हम में से कोई भी नहीं जानता। ये जैसी ऊपर से दिखती है, अंदर से बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इसके आंतरिक भाग की जानकारी हम लोग आज इस पाठ में करने जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी, जिस पर कि हम सब रहते हैं, ठंडी, ठोस और कठोर है। परंतु ये अंदर से कैसी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पृथ्वी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? क्या आपको पता है पृथ्वी किन चीजों से बनी हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म गैसों और धूल के कणों से हुई। हमारी पृथ्वी धूल के कणों और गैसों से बनी हुई है। और जब ये बनी थी तब ये आग के दहकते हुए गोले के समान थी। पृथ्वी के बनने के करोड़ों वर्ष बाद हमारी पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के कारण धीरे धीरे ऊपरी परत ठंडी होती चली गई और ये आज भी अंदर से गर्म है। ऊपर से तो पृथ्वी ठंडी हो चुकी, परंतु अंदर से ये आज भी ठंडी नहीं हुई। हम अब आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। आपने प्याज देखा है? सभी की मम्मियों के पास किचन में मिलता है। हम अपनी पृथ्वी की तुलना प्याज से कर सकते हैं। प्याज और पृथ्वी में समानता ये है कि दोनों में परतें हैं। जैसे पृथ्वी में प्याज के समान परतें हैं, प्याज हम एक एक परत निकालते हैं, उसी तरह से पृथ्वी में भी हम एक एक परत को देखते हैं। इनमें परतों की अलग अलग मोटाइयाँ हैं जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। पृथ्वी को तीन परतों में बांटते हैं। आइए, पृथ्वी भूपर्पटी, मेंटल, क्रोट। पृथ्वी की पहली परत बच्चों समझ में आया आपको? भूपर्पटी है। दूसरी परत मेंटल है। तीसरी परत क्रोट है। दूसरी परत जो मेंटल है
वो भी दो भागों में बटी है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तीसरी परत जो क्रोड है वो भी दो परतों में बटी है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये हमारी पृथ्वी है बच्चों। इस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं और अब हम पृथ्वी के अंदर की तरफ बढ़ते हैं उसकी आंतरिक संरचना को जानने के लिए। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और अब हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो हमें अपनी तीनों परतों को देखने का अवसर मिलेगा। ये हमारी प्रथम परत है जिसको कि हम भूपर्पटी कहते हैं। ये हमारी दूसरी परत है, इसको हम मेंटल कहते हैं। ये जो मेंटल है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा है जो ऊपर पट्टी के पास है वो है ऊपरी मेंटल और उसके नीचे का हिस्सा निचला मेंटल। ये हमारा क्रोड है, इस क्रोड को भी हम दो भागों में बांटते हैं, ये हमारा बाह्य क्रोड है ये वाला हिस्सा हमारा आंतरिक क्रोड है। ये दोनों हिस्से मिलकर के मेंटल का निर्माण करते हैं, ये दोनों हिस्से मिलकर के क्रोड का निर्माण करते हैं। ये आपकी हुई पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए बच्चों मैंने आपके लिए इसको अलग अलग बना के रखा है, इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आपकी पृथ्वी का हिस्सा है, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये पूरा हिस्सा या ये वाली पूरी परत भूपर्पटी कहलाती है। उसके बाद उसके नीचे ये जो ऑरेंज कलर का हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा हिस्सा मेंटल कहलाता है। इसको हमने दो भागों में बांटा है, ऊपरी मेंटल ऊपर वाला हिस्सा, निचला मेंटल नीचे वाला हिस्सा। उसके बाद में ये हमारा ब्लू कलर का जो हिस्सा है इसको हम क्रोड कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा बाह्य क्रोड है और अंदर वाला हिस्सा आंतरिक क्रोड। अगर हम पृथ्वी का एक हिस्सा काट के देखें तो हम उसकी गहराई के बारे में पता कर सकते हैं कि ये सारे हिस्से अंदर जाने पर कितनी कितनी दूरी पर मिलते हैं। ये पृथ्वी का वो हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं, इसे हम भूपर्पटी कहते हैं। ये ऊपर से लेके 35 किलोमीटर तक गहरा है भूपर्पटी का हिस्सा। उसके बाद 700 किलोमीटर अंदर जाने पर हमको ऊपरी मेंटल की गहराई का पता चलता है। ऊपरी मेंटल के नीचे 2900 किलोमीटर तक जाने पर हमको निचला मेंटल मिलता है, यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमको मेंटल मिलता है। ये हिस्सा मेंटल का है। उसके उपरांत 5259 किलोमीटर
गहराई में जाने पर हमको 2 करोड़ मिलता है, यानी कि इतनी गहराई में जब हम जाएंगे तो हम 2 करोड़ को देख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर का हिस्सा जो भी है 6371 किलोमीटर आंतरिक क्रोड कहलाता है। ये पूरा हिस्सा यानी कि 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के अंदर तक का भाग क्रोड कहलाता है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको एक बार फिर देख सकते हैं। ऊपर की सबसे पहली परत ऊपरपटी कहलाती है, उसके अंदर की परत मेंटल कहलाती है। मेंटल को हम 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। उसके बाद लास्ट परत हमारी होती है क्रोड, जिसको हम बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में बांटते हैं। ठीक है, ये उसकी गहराइयां हैं, इनको आपको याद करना है और इस डायग्राम को भी आपको अच्छे से याद करना है और इसको रिवीजन करना है। अब हम आगे चलते हैं अपनी इन सभी जो हमारी परतें हैं इनके बारे में आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहली परत जो हमारी है वो है भूपरपटी। भूपरपटी सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की और ये सबसे पतली परत भी है। ठीक है बच्चों, भूपरपटी जो है हमारी सबसे पहली परत है और ये सबसे पतली परत है, साथ ही में ये ठोस है। इसकी मोटाई सभी जगहों पर अलग अलग है। हम जब समुद्र की तलहटी में देखेंगे तो इसकी मोटाई हमको 4 से 7 यानी कि 4 से 7 किलोमीटर मोटी मिलती है, जबकि महाद्वीपों की मोटाई या महाद्वीपों में जब हम इसकी मोटाई को देखेंगे, इसकी मीन्स भूपरपटी की, तो वो हमें 35 किलोमीटर तक मोटी मिलती है। ठीक है बच्चों, चट्टानों, ये जो भूपरपटी है वो किससे बनी हुई है? चट्टानों और मिट्टियों से। किससे बनी हुई है? चट्टानों और मिट्टियों से। चट्टाने और मिट्टी मिलकर के इस परत का निर्माण करती हैं। भूपरपटी में सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता होती है। मैंने इसको अंडरलाइन करके रखा है आपकी सुविधा के लिए। जो भूपरपटी है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए हम भूपरपटी को सियाल भी कहते हैं। भूपरपटी को हम सियाल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मेंटल। आइए अब हम अगली परत पर चलते हैं, मेंटल पर। मेंटल भूपरपटी के नीचे की परत है और ये अधिक मोटी परत है जिसे हम मेंटल कहते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक है, यानी कि 2900 किलोमीटर नीचे अगर हम जाएंगे तो हमको मेंटल मिलेगा। हमारा जो मेंटल है उसमें जो चट्टाने हैं वो हमारी पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। कैसे में रहती हैं बच्चों? पिघली हुई अवस्था में। ऊपर में हमारी चट्टाने कैसी थी? ठोस थी भूपरपटी पर, और मेंटल में पिघली हुई हैं। यह भूपरपटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है। इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पतली सी परत है जिससे भूपरपटी और मेंटल दोनों को अलग किया जाता है। उस सीमा की खोज हमारे भूवैज्ञानिक मोहरोबिक ने की थी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो हमारी वो लेयर है
जिससे हम भू प्रपटी और मेंटल को अलग करते हैं, इन्हीं के नाम पर हम उसको मोह असांतत्य के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। मेंटल को हम दो भागों में बांटते हैं, अभी हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। मेंटल का ऊपर से अंदर गहराई की तरफ बढ़ने पर 700 किलोमीटर का जो भाग है वो ऊपरी मेंटल कहलाता है, तथा 700 किलोमीटर से नीचे का जो शेष भाग है 2900 किलोमीटर तक का वो हमारा निचला मेंटल कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये मेंटल हमारा जो है सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता वाला है। इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, इस कारण मेंटल को हम सीमा भी कहते हैं। क्रोड, अब हमारा तीसरी परत आती है क्रोड। देखिए बच्चों, ये सबसे लास्ट वाला परत सबसे आखिर में है, आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्रोड को हम फिर दो भागों में बांटते हैं, पहला हमारा बाह्य क्रोड और दूसरा हमारा आंतरिक क्रोड। ये हम अभी बता चुके हैं आपको। बाह्य क्रोड जो है हमारा, उसमें जो हमारी चट्टाने हैं या जो भी वस्तुएं पदार्थ हैं वो हमारे तरल अवस्था में हैं। बाह्य क्रोड में तरल अवस्था में हैं, जबकि आंतरिक क्रोड में ठोस अवस्था में हैं। ठीक है बच्चों, आंतरिक जो क्रोड है उसमें सभी पदार्थ ठोस अवस्था में हैं। क्रोड भारी पदार्थों जैसे लोहे और निकल से बना हुआ है। लोहे और निकल से बना होने के कारण हम इस परत को नीफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे। ठीक है बच्चों, तो अब आपको याद रहेगा भू परपटी को हम क्या कहते हैं। देखिए, सियाल कहते हैं। ये हमारी सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। मेंटल को हम सीमा कहते हैं, ये हमारा सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। नीफे यानी कि क्रोड, इसको हम नीफे कहते हैं, ये हमारा निकल और लोहे से मिलकर बना हुआ है। आज के लिए इतना काफी है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस पढ़ाए हुए भाग को अच्छी तरीके से दोहराएंगे और ये आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसके साथ ही कुछ प्रश्न दे रही हूँ, इनके उत्तर आप अपनी कॉपी पर अवश्य करिएगा तथा इनको दोहराइएगा। प्रथम प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए। सेकेंड क्वेश्चन है, पृथ्वी की सभी परतों के विषय में अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो बच्चों, ये दोनों प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करेंगे। इसके साथ ही आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ।